बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिक्स। बट बिफोर आई स्टार्ट माय डिस्कशन आई वुड लाइक टू गो ऑन द फाउंडेशन कि फिजिक्स कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसको हम स्टार्ट से डिफाइन करना चाहेंगे। देखिए, नॉलेज अगर हम बेसिक में जाएं तो सबसे पहले हमें नॉलेज डिफाइन करना चाहिए कि नॉलेज है क्या। देखिए, ये इस यूनिवर्स के स्टार्ट से पहले नॉलेज स्टार्ट हो गया था। ठीक है, यूनिवर्स से पहले ये नॉलेज स्टार्ट हो गया था। दिस इज नॉट अ साइंटिफिक, ठीक है। लेकिन अगर साइंस की बात करें तो इस यूनिवर्स के स्टार्ट होने के बाद नॉलेज का इर्तिका हो गया, नॉलेज का इर्तिका हो गया। हर वो चीज़ जिसको हम सीखते हैं हम नॉलेज के कैटेगरी ज़ुमरे में लाते हैं। हर वो चीज़ जिसको हम सीखते हैं उसको हम नॉलेज के ज़ुमरे में लाते हैं। और अगर नॉलेज को हम कैटेगराइज कर लें तो हम इनको तीन और कैटेगरीज में डिफाइन कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसको हम रिलीजन, ठीक है। रिलीजन एक्चुअली रिलेट्स विद द स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल फैक्ट्स। स्पिरिचुअल फैक्ट्स, जिस तरह हम मुसलमान हैं और मुसलमानों का ये अकीदा है कि जिन्नात एग्जिस्ट, जिन्नात हैं, जिस तरह फरिश्ते, फरिश्तों के बारे में हमारा अकीदा है कि फरिश्ते हैं, इन चीज़ों के बारे में और रिलीजन के बारे में स्टडी को हम रिलीजस के ज़ुमरे में लाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आर्ट्स। आर्ट्स क्या चीज़ है? देखिए, हर इंसान जिसमें क्रिएटिव स्किल्स मौजूद हो, जो अपने स्किल्स के ज़रिए लोगों को मुतासिर इम्प्रेस कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक आर्टिस्ट कह सकते हैं। और आर्ट्स में क्या आता है? रिलेट्स विद द स्टडी ऑफ क्रिएटिव स्किल्स। अब क्रिएटिव स्किल्स क्या है? फॉर एग्जांपल, एक कारपेंटर है, वो एक चेयर बनाता है, ठीक है, उसको तराशता है, मैयर करता है, हर एंगल से वो इसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है, तो ही इज़ एन आर्टिस्ट, और ये आर्ट्स में आता है। फिर आता है, फॉर एग्जांपल, एक पेंटर है और पेंटिंग करता है, दीवार पेंट करता है या कोई अच्छी सी पेंटिंग बनाते हैं, तो उसको हम आर्टिस्ट कह सकते हैं। वो है आर्टिस्ट क्योंकि वो अपने स्किल्स को, क्रिएटिव स्किल्स को इन द फॉर्म ऑफ आर्ट पेश करने की कोशिश, पेंटिंग पेश करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है साइंस, जिसका कंसर्न है हमारा, जिसके साथ हमारा कंसर्न है, वो है रिलेट्स विद द स्टडी ऑफ फैक्ट्स दैट आर गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। वो स्टडी, ठीक है, जिसमें हम हकीकत को तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैसे? हम एक साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है, फिर लॉ बनाते हैं। अब देखिए, साइंस और रिलीजन में क्या रिलेशन है? अगर इसको हम रिलेट करने की कोशिश करें तो इसमें कॉन्ट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। साइंस हमें कहता है द स्टडी ऑफ फैक्ट्स दैट आर गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, बट हियर रिलीजन सेज रिलेट्स विद द स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल फैक्ट्स। अब जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती उनको हम कंसिडर ही नहीं करते, साइंस कहता है, और रिलीजन कहता है कि हमने अकीदा बनाना है। तो इन चीज़ों में ये दोनों जो है कॉन्ट्रोवर्सी इन दोनों में पैदा हो जाती है। लेकिन अगर हम आगे जाएँ तो साइंस हमें कहता है कि पहले क्या करें? ऑब्जर्वेशन करें। और इस तरह कुरान में अल्लाह फरमाते हैं क्या फलाए यंजुरून, क्या आप देखते नहीं इस यूनिवर्स को? अगर आप देखें, गौर करें इस पर, फिर कहते हैं आप फलाए तफक्करून, क्या आप तदब्बुर फिक्र नहीं करते, क्या इसके बारे में आप सोचते नहीं? फिर फरमाते फलाए तदब्बुरून, क्या आप तदब्बुर नहीं करते? इसी तरह साइंस भी हमें कहता है कि पहले देखो, फिर ऑब्जर्वेशन, पहले ऑब्जर्वेशन करो, फिर देखो कि ये चीज़ है क्या, उसके बारे में इमेजिनेशन सोच ले, सोच बनाओ, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन कर लो, ठीक है। तो बाज़ औक़ात रिलीजन और साइंस में कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है, और बाज़ औक़ात साइंस और रिलीजन आपस में कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो साइंस को हम फर्दर डिवाइड करेंगे टू कैटेगरीज, वैसे ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है लेकिन मैंने मेन ब्रांचेस कलेक्ट किए हैं। इसको डिवाइड करेंगे बायोलॉजिकल साइंसेज में और फिजिकल साइंसेज में। बायोलॉजिकल साइंसेज एक्चुअली रिलेट्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जितनी भी हमारे पास लिविंग थिंग्स है, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, माइक्रोब्स, जो भी हो, उनके स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंसेज, और वो बायोलॉजिकल साइंसेज में आते हैं। फिर आते हैं फिजिकल साइंसेज। अब फिजिकल साइंसेज क्या है? फिजिकल साइंसेज एक्चुअली रिलेट्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स।
नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी स्टडी को हम फिजिकल साइंसेज में, ठीक है, कैटेगराइज करते हैं, उसमें डालते हैं और इसी में स्टडी करते हैं। अब फिजिकल साइंसेज को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, मैं टू कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे, एक है केमिस्ट्री और एक है फिजिक्स। अब केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, ये दोनों हमारे पास फिजिकल साइंसेज में आते हैं, जबकि केमिस्ट्री हमारे पास रिलेट्स टू द स्टडी ऑफ नेचर कंपोजिशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, और फिजिक्स जिसके साथ हमारा मेन कंसर्न है वो है फिजिक्स। इतनी सारी स्टोरी जो मैंने बता दी है वो है मैंने फिजिक्स को बयान करने के लिए बता दिया, ठीक है। सो फिजिक्स एक्चुअली द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब हम देखेंगे कि मैटर क्या चीज़ है, एनर्जी क्या चीज़ है, डिफाइन तो हमने कर लिया, अब अगर हम रटा लगाएंगे, ठीक है, तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे मुझे पता है ये एक बल्ब है, ये एक वाइट बोर्ड है, ठीक है, एक मार्कर है, ये तो मुझे पता चल गया कि ये चीज़ें हैं, इसको मैंने रटा कर लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये कैसे बना है, ठीक है, इस बल्ब में क्या प्रोसेसेस चलते हैं, ठीक है, ये वाइट बोर्ड ये कैसे बना है। हमने मेन चीज़ जो है फिजिक्स में ये पढ़ना है, ये नहीं कि डिफिनीशन याद कर लें और उसे उसको एक्सप्लोर ना करें, हमने सीखना है कि फिजिक्स क्या चीज़ है, ठीक है। अब डिफिनीशन को अगर मैं एक्सप्लोर करूँ, द ब्रांच दैट डील्स विद द मैटर, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब मैटर क्या है, एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो और वजन रखती है उसको हम मैटर, चाहे वो ये कलम हो, मैं हूँ, इस यूनिवर्स में जो चीज़ भी हो, जो जगह घेरती हो और वजन रखती हो, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर को हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ठीक है, लेकिन हम इनके तीन ब्रांचेस कैटेगरीज पढ़ेंगे, जैसे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। प्लाज्मा को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस, इन तीनों की स्टडी, उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी और इनका एनर्जी के साथ क्या ताल्लुक है, इसकी स्टडी को हम फिजिक्स में डालते हैं। और असल चीज़ यही है कि ये कैसे, ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेबल है। मैटर इज रिलेटेबल विद एनर्जी, हाउ? फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक लकड़ी है, ठीक है, जो कि इनिशियली वो 2 kg है, उसको मैंने मेजर कर लिया, वो मेरे पास 2 kg है, ठीक है, नहीं 2 kg, और उसको मैंने जला दिया, इनिशियली वो 2 kg है, उसको मैंने जला दिया और वो हमारे पास राख रह गया। अब उस राख को अगर मैं मेजर करूं तो वो हो सकता है ग्राम में 400 ग्राम हो, 300 ग्राम या जो भी हो रह जाता है। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि वो जो 2 kg है, 1600 ग्राम वो कहाँ चला गया, 1600 ग्राम हमारे पास कहाँ चला गया? तो ये इसका आंसर है कि मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जो कि लाइट एनर्जी है और लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी, उसमें कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जिसमें हम मैटर और एनर्जी के कन्वर्जन के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे अगर हम केमिकल एनर्जी को यूज़ करें, केमिकल एनर्जी इंजन में डालते हैं, इंजन उसको यूज़ कर लेता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, केमिकल एनर्जी वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है और हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे गाड़ी मूव करती है, गाड़ी चलती है, वो मैकेनिकल एनर्जी है। इसी तरह डैम्स वगैरह में, डैम में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सारी बातें जो हैं ये फिजिक्स में आती हैं। सो दैट वाज आवर टॉपिक, इंशाल्लाह इसके बाद और भी पढ़ेंगे जो ब्रांचेस है वगैरह, तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।